एवरीवन मैं हूं प्रति स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रांस टैर थ्री नाइन में सो so guys, आज हम एक बार फिर से करने वाले हैं थर्ड पार्टी रीडिंग देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है क्या करंट एनर्जीज हैं एक दूसरे के बारे में क्या फील कर रहे हैं कैसी सिचुएशन है ओके okay? ऑल right. तो चलिए गाइज रीडिंग को करते हैं शुरू सो so गैस हमेशा की तरह एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है जितनी बातें जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करेंगे बस उतने ही रखने हैं जो आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे मतलब कि वो मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं ओके राइट तो चलिए गैस रीडिंग को करते हैं शुरू ऑल राइट सो माई गाइड माई गॉड माई एंजल्स प्लीज डिवाइनली गाइड करें और बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो पार्टनर हैं और थर्ड पार्टी हैं उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें और बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है ओके टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन ओके टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन ओके लॉर्ड ऑफ टोरसरगो capricorn टू ऑफ pentacles टेन ऑफ pentacles नाइन ऑफ pentacles ओके okay. जजमेंट all right एंड वी हैव अगेन pentacle नाइट ऑफ pentacles ठीक है जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या बात है गाइज पैसों पर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है ओके टेन ऑफ कप्स नाइन ऑफ कप्स एम सॉरी एट ऑफ oh, oh, Tower, and Two of Swords, okay. And bottom of the deck we have Two of Cups. सो गाइज यहाँ पर हमारे पास टॉरस वर्गो एंड Capricorn बहुत 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 ज़्यादा strongly निकल कर आया है कैंसर Pisces स्कॉर्पियो वी हैव वी हैव Aries Leo Sag we have हैव uh, Gemini, Libra, Aquarius. Okay, we have two of cups. All right. So guys, गाइज चलिए reading को करते हैं शुरू हमारे पास सारे cards आ चुके हैं निकल कर सारे signs और सारे elements भी हमारे पास यहाँ पर available है ऑल ये एक collective reading है okay all right सो गाइज़ यहाँ पर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है सो so, गाइज यहाँ पर पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं कुछ बातें हैं जो यहाँ पर चल रही हैं पैसों का इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा यहाँ पर लेन देन है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी एक दूसरे के साथ में सिक्योर फील कर रहे हैं कुछ सेट ऑफ़ पीपल के लिए क्योंकि ये जो रिलेशन है यहाँ पर बहुत ही लॉजिकली लिया गया है और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी को देख ये जो है रिलेशनशिप यहाँ पर लिया गया है इस रिलेशन में यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं या फिर जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर को इस तरह से देखते हैं कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं इंटेलिजेंट हैं सेल्फ डिपेंडेंट हैं वेल अर्निंग है, है, uh, है, well है यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं बहुत अच्छा अर्न करते हैं या तो थर्ड पार्टी हैं जो कि इस तरह की पर्सनैलिटी uh, रखते हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं खूबसूरत हैं सेल्फ डिपेंडेंट हैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं वेल अर्निंग हैं बहुत अच्छे से uh, अपना जो है और अपना अपने घर का ख्याल रखते हैं अच्छी कमाई है इनकी पैसे रुपयों की यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ लोगों के केस में यहाँ पर गए थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर जो हैं ये कुछ नया अपनी लाइफ में कुछ करने का प्लान कर रहे हैं ये जो है आ, नया घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं या फिर कोई कार वार खरीदने का प्लान कर रहे हैं ये कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने का कुछ प्लान कर रहे हैं ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये कोई लैंड एक्विजिशन करने का प्लान कर रहे हैं कोई आ, कोई ज़मीन खरीदने का प्लान कर रहे हैं जिस पर कि ये अपना घर बनाना चाहते हैं ओके okay. सो गाइज़ विद दिस जजमेंट कार्ड यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शादीशुदा इंसान से डील कर रहे हैं और कई सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और uh, आप में से कुछ सेट ऑफ़ पीपल यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में भी एक मैरिड पर्सन से यहाँ पर डील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स गाइज ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर और जो थर्ड पार्टी हैं आपस में इन दोनों को थोड़े कमिटमेंट्स के जो प्रॉब्लम थे तो अब ये अपने दिल ही दिल में मन ही मन में सोच रहे हैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाए कुछ इस रिलेशन में कमिटमेंट लेकर आया जाए और इस रिलेशन को कुछ आगे बढ़ाया जाए इस तरह की यहाँ पर फीलिंग है लेकिन यहाँ पर जो फीलिंग है गाइज ये पूरी कॉन्क्रीट फीलिंग है और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी जो है यहाँ पर बहुत ही लॉजिकल होकर आगे बढ़ने के मोड में नज़र आते हैं ये थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर जो कि फाइनेंशियली एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं गाइज आप में से कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके जो पार्टनर हैं वो फीमेल पार्टनर हैं और वो बहुत अच्छे से अर्न करती हैं और जिनके साथ वो चले गई हैं आपको छोड़कर वो थोड़ा उनके कंपैरिजन में कम अर्न करते हैं और यहाँ पर जो है इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में नहीं है एक बंदा या बंदी जो है वो ज़्यादा करता है या करती है और दूसरा जो है वो इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा यहाँ पर कम uh, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर गाइज़ इन दोनों में कोई एक इंसान है बहुत छोटे से, से सेट ऑफ़ पीपल के लिए बात मैं कह रही हूँ कि कई लोगों का यहाँ पर यह भी सीन है गाइज़ कि जो थर्ड पार्टी है और आपके पार्टनर हैं उनमें से कोई एक इंसान ऐसा है जिसके पास सब कुछ है यहाँ पर लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी में कुछ कमी है कुछ है जो कि यहाँ पर ख़ालीपन का एहसास इनको देता है और ये इस रिश्ते में मुझे बहुत कुछ खास खुश नज़र नहीं आ रहे हैं ऐसा लगता है इनका रिश्ता आगे तो बढ़ रहा है यहाँ पर पैसे रुपए सब कुछ हो रहा है ये लोग फाइनेसेस भी अपने इतने प्लान कर रहे हैं सब कुछ है यहाँ पर लेकिन यहाँ पर एक जजमेंट होना बाकी है और इनकी लाइफ में एक टावर मोमेंट आता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है ऐसा लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम समय की रफ्तार के साथ ये जितनी आगे ये बढ़ रहे हैं ये गार्ड कम्युनिकेशन का भी होता है गाइज़ ये गाइज़ कार्ड होता है जो कि स्पीड में जाने वाले रिलेशन को भी बताता है तो जिस तेज़ी और जिस रफ्तार से इनका ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है उसी रफ्तार से इसकी फाउंडेशन मुझे हिलती हुई नज़र आती है गाइज ऐसा लगता है कि इनिशियली तो इन्होंने सोचा होगा कि ये रिलेशनशिप बहुत ही गार्डेड है बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है भगवान का बनाया हुआ है बहुत ज़्यादा इनको बॉन्ड फील होता होगा एक दूसरे के साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करते होंगे और इन्होंने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे खूबसूरत पल भी बिताए हैं गए ऐसा मैं नहीं कह सकती हूँ कि इन्होंने एक दूसरे के साथ इन्होंने खुशी नहीं बांटी है प्यार नहीं बांटा है बिल्कुल बांटा है हंड्रेड एंड टेन परसेंट इन्होंने प्यार भी बांटा है खुशी भी बांटी है एक दूसरे के साथ लेकिन यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में इनका जो प्यार का इनका जो इमोशन का जो फाउंडेशन है वो मुझे यहाँ पर ध्वस्त होता हुआ दिखाई देता है ऐसे लगता है कि ये दोनों की ज़िंदगी में कुछ कुछ जिस रफ्तार से ये दोनों आगे जा रहे हैं और मुझे बहुत यहाँ पर वाइब्स मिलते हैं गाइस क्योंकि रिलेशन एक लॉजिक और मटीरियलिस्टिक uh, फाउंडेशन पर है तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जिन रुपयों पैसों के बारे में सोच इस रिलेशनशिप को बनाया गया है वही रुपया पैसा और ये सारी चीज़ें जो भी uh, मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं इनके लड़ाई झगड़े का यहाँ पर कारण बनेंगी और कई सारे लोगों के केस में गाइज ये ऑलरेडी यहाँ पर इनके बीच में ये टावर मोमेंट जो है स्टार्ट हो चुका होगा और कुछ टाइम में या तो ये एक्सट्रीम पे पहुँच जाएगा बहुत अति हो जाएगी इनकी या तो फिर ये ऑलरेडी होने वाली होगी बहुत सारे लोग गाइज आपके जो पार्टनर हैं और थर्ड पार्टी हैं स्पेशली मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी लगती है उनको लग रहा है कि बस बहुत हो गया अभी इनफ़ इज़ इनफ और वो जो है बर्स्ट आउट कर जाएंगे यहाँ पर और इस वजह से यहाँ पर ये यह टावर मोमेंट आ जाएगा जिसमें कि इनका ये रिलेशन या तो ये आ चुका है टावर मोमेंट या तो ये आने वाला है इस तरह के एनर्जीज़ यहाँ पर मिल रहे हैं मुझे पर इस चीज़ की शुरुआत हो चुकी है ये यह यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हमें नज़र आती हैं यहाँ पर गैस देखिए आपके जो पार्टनर हैं मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप को गार्ड करते हुए महसूस होते हुए ऐसा लगता है कि ये खुद को गार्ड कर लिया है इन्होंने क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं किस तरफ इनको जाना है एक तरफ कुआ है दूसरी तरफ खाई है जिस सराउंडिंग में जिस सिचुएशन में है सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भरी है यहाँ पर जिधर भी जाते हैं इनको कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट मिलते हैं और यहाँ पर जो है चीज़ें इनसे कुछ चीज़ें हैं गाइज़ जो इनसे छुपी हुई भी हैं और ये चीज़ें इनको पता तो चलती है कि इनसे छुपी हुई हैं लेकिन ये जो है अपने इंट्यूशंस को फॉलो भी नहीं कर रहे हैं और आगे बढ़कर जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि वो छुपी हुई चीज़ें क्या हैं हालांकि आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर भाप चुके हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं उनके अगेंस्ट हैं और उनके फेवर में नहीं हैं आप में से गैस कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको कि उनके पार्टनर ने शायद कभी कॉल किया है इन दिनों में या फोन किया है या करने वाले हैं कुछ तो उनको मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे कुछ उनको क्लू देंगे कि आ, वो इस सिचुएशन में है और थर्ड पार्टी के साथ में उनका कुछ तो यहाँ पर आ, आर्ग्यूमेंट्स हैं या डिसअग्रीमेंट्स जो हैं यहाँ पर चल रहे हैं कुछ विचारों में मतभेद चल रहे हैं जिससे कि वो एग्री नहीं करते हैं और उनकी खुशी उस चीज़ में उनको नहीं मिल पा रही है इस तरह की बातें आपसे वो कर सकते हैं अगर इस तरह की कुछ बातें आपके सामने आती हैं गाइज तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइएगा ऑल सो so गैज फिलहाल के लिए यही सारी फीलिंग्स हैं जो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में निकल कर आई हैं सो so गैस यही थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर